नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत दीक्षित आप सभी के बीच में एक बार फिर जुड़ चुका हूं। दोस्तों, इस समय हम लोग खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 8 कानपुर में, जहां पे एक जगह हम लोग ने देखी जिसके पीछे पक्का तालाब नामक बहुत ही प्रसिद्ध तालाब है। उसके जस्ट सामने की तरफ एक रोड है जिसपे आप देख सकते होंगे कितना इस भयंकर तरीके से कूड़ा पड़ा हुआ। हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे इसको कूड़े को पूरा दिखाएं। ये कूड़ा आज से नहीं, ये कम से कम 2 से 3 महीनों से यहाँ पे लगातार यहीं जमा हुआ है, जिसका प्रभाव यहाँ की आम जनता को भी उठाना पड़ रहा है। बीमारियाँ, वायरस, जीका वायरस फैल रहा है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे, क्या समस्याएं हैं उनकी। और यहाँ के जो नगर पार्षद जी हैं मनोज दिवाकर जी, जैसा कि हमें नाम बताया गया है, और नगर निगम के इंचार्ज हैं संतोष सिंह जी, उन्होंने भी किसी भी प्रकार की इस पर कोई भी अभी तक रोक टोक नहीं की है। उनके सानिध्य में बताया जा रहा है, उनके सानिध्य में यहाँ पे कूड़ा जमा हो रहा है। चलते हैं, वहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ, स्थानीय लोग, उनसे बात करते हैं सानिध्य में और क्यों यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा जमा किया जा रहा है। ऐसी क्या यहाँ पे, क्या कूड़ा की कोई जगह नहीं है, किस वजह से यहाँ पे कूड़ा जमा हो रहा है? भैया आपका क्या नाम है? संजय कुमार त्रिपाठी। भैया, जो आपका कूड़ा पड़ रहा है यहाँ पे, उससे आप लोगों को क्या समस्या उठानी पड़ रही है? भैया, कूड़ा जो ये पड़ रहा है, इसकी कई बार शिकायत भी की गई है, कूड़ा उठा नहीं रहे हैं। अगर कूड़ा नहीं उठेगा तो ये बीमारी फैलेगी यहाँ। जो जीका वायरस आ रहा है उससे संबंधित आप लोगों ने अभी तक कि अपने जो यहाँ के पार्षद जी हैं मनोज दिवाकर, जैसा कि नाम हमें बताया गया है, उनसे उन्होंने आपने उनसे कोई शिकायत की अभी तक? देखिए, हम लोग खुद पढ़े लिखे आदमी हैं। मनोज दिवाकर का कहना है कि मैं सपा का पार्टी का हूँ, भाजपा वाले मेरा काम नहीं करते हैं। मैं स्वयं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने स्वयं नगर निगम को शिकायत दर्ज की है, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की थी, लेकिन आज दिन तक ये कूड़ा नहीं उठा, नाला सफाई हो रही है। तो ये किसके सानिध्य में यहाँ कूड़ा पड़ रहा है? यहाँ पे नगर निगम के ऑफिस में आपने अभी तक कंप्लेन की है? भाई, नगर निगम ऑफिस में कंप्लेन की गई थी, ठीक है। अब जब वो कूड़ा उठाएंगे नहीं तो आदमी सड़क पे फेंक रहा है आदमी पब्लिक आके। तो यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी है, जो अलग अलग क्षेत्रों से लाके कूड़ा यहाँ जमा करते हैं, तो उनको भी किसी ने रोका है या नहीं रोका है? ना, उनको तो क्षेत्रीय आदमी तो रोका जा रहा, लेकिन वो मानते कहाँ है। जी, आपका क्या नाम है? हमारा कहना यही काम है, इसको जल्दी जल्दी हो सके कूड़ा इसको हटवाओ रोड से, रोड बंद हो जाएगी, एक्सीडेंट होते हैं और आदमी यहाँ पर परेशान होता है बदबू से। नहीं तो आपने अपने पार्षद जी से किसके प्रकार में किसी प्रकार से संबंधित बातचीत की है? बाजी आई सभासद से की है किसे? उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उड़ जाएगा कब उड़ेगा? वहाँ से गाड़ी आती है भर के, यहाँ दिखा देते उड़ गया, बेकू बना रहे हैं ये जो उठाते, कभी आइए नहीं। कब से कूड़ा यहाँ पे जमा किया जा रहा है? ये कूड़ा जमा हो रहा कम से कम अभी हमारी सफेदी देख लो, उम्र देख लो हमारी, जब शुरू अब तो पहले को कुछ न रहा इनका। अच्छा, और भी लोग हैं उनसे भी बात कराते हैं आपकी। भैया, आपका क्या नाम है? जी, उमा शंकर जी। यहाँ पे जो कूड़ा आ रहा है, ये यहाँ पे देखने में गोबर भी है और भी चीजें हैं, ये किसके मार्फत से यहाँ क्यों नहीं आई सफाई हो रही है अभी तक? ये लोग यहाँ के डाल जाते होंगे, जो रहने वाले वही लोग डाल जाते हैं। कूड़ा फैलाना कानून जुर्म है, गंदगी है, बीमारियाँ फैलती हैं, रोड पे है, एक्सीडेंट होने की ज्यादा संभावना है। चलिए, हम आपके नगर आपसे पार्षद जी को भी अभी यहाँ पे बुलवाएंगे, फिर उनसे बात करेंगे उनके क्यों नहीं कूड़ा उठवा रहे हैं। यहाँ के पार्षद हैं, उनको भी बुलवाने की कोशिश करेंगे। और जो नगर जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने अपनी एक अलग ही समस्या बताया हुआ है, उन्होंने सरकार के खिलाफ साफ आरोप लगाया कि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, भाजपा सरकार में सपा पार्षद की नहीं सुनवाई होती, उनका ये आरोप है। चलिए उनसे जानते हैं यहाँ की जो समस्या है, लोकल समस्या है, वो इस समय कैसा जूझ रहे हैं समस्याओं से। भैया, आपका नाम? हम मनोज दिवाकर है जी। आप पार्षद कब बने? ये अब बने हैं मई में। मई में? अब 5-6 महीना। इससे पहले आपके पहले पार्षद कौन था यहाँ से? इस समय पहले पार्षद 2-3 साल तो चुनाव हुआ ही नहीं यहाँ पे, चुनाव नहीं हुआ। पहले चुनाव हुए थे सर? हाँ, हुआ था, वो सपा का था, वो 6-7-8 महीना रहा, ठीक है, और उसकी नौकरी लग गई, इस्तीफा दे के चला गया, ठीक है। ये बात छूट गया कि चुनाव नहीं हुआ, हुआ अब चुनाव हुआ 5-6 महीना पहले। आपको 5-6 महीने हो चुके हैं? हाँ, 5-6 महीने हो चुके हैं। ये जो समस्या है यहाँ के स्थानीय लोगों की समस्या है कि यहाँ पे कूड़ा ना ही उठता है और कूड़ा आके यहाँ पे डंप होता है। जो अब हमारी बात सुन लीजिए, जो यहाँ के जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, वो अपनी गाड़ियों में लाके कूड़ा यहाँ पे पलट देते हैं, उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? कूड़ा पलट देते हैं वो तो ठीक है, कूड़ा पलट देते हैं, ये बताइए वहाँ, बताइए नगर भाव महापौर सरकार, बताइए ये सरकार बताइए। नहीं, बात सुनिए, तो आपने इस पे किसी प्रकार की मांग की कूड़ा के लिए मांग की? मोदी क्या होगी, घर में डाल दे, आप बताइए, किसी घर में डाल दे, क्या जो यहाँ मेयर बना उनका घर में डाल दे कूड़ा, जब यहाँ पे कूड़ा घर नहीं है पूरे बाद में। इधर देखिए, नहीं
कूड़ा घर नहीं है, तूने कूड़ा घर बनवाती भाई? ये पूरा बाड़ लगा है, कूड़ा घर क्यों ना बनवाते? ये कूड़ा घर भी नहीं है, 80,000-1,00,000 जनता रहती है, क्यों ना कूड़ा घर बनवाते? हम परेशान रहते हैं। आपने अभी तक आपने किसी प्रकार की मांग की है अपने नगर आयुक्त से? किसी भी सबके मांग की है, मेरा लेटर भी लगा है, सब कुछ लगा हुआ है। आपकी जो नगर निगम के अधिकारी, उन्होंने बोला कि हमारी 2-3 गाड़ियां यहाँ पे, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने बोला कि मेरी 2-3 गाड़ी आती है यहाँ पे कूड़ा डालती है, बात बाकी आम जनता का कूड़ा है, ठीक है? कूड़ा तो उसमें तो आप एक्शन ले सकते हैं अपने अधिकारी ऊपर। कूड़ा डालती भैया इस क्षेत्र में कर्मचारी इस गली से उस गली से। देखिए मेरी जो सवाल थे आप मुद्दे को, मैंने सवाल किया जो आपके संतोष सिंह नामक कोई एक कर्मचारी है नगर निगम के, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला मेरी 1-2 गाड़ियां आती है कूड़े की, केवल प्रति बात है कि आम जनता का कूड़ा है, तो उनके अधिकारियों को आप एक्शन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? केवल इसका हाँ बताइए, 1-2 गाड़ी से यहाँ पे समस्या? अच्छा 1-2 गाड़ी थे, क्यों नहीं गाड़ी हमें देते? डेली गाड़ी दे हमको, डेली गाड़ी दे, इतना बड़ा बाड़ है तो कूड़ा घर नहीं, डेली गाड़ी दे। आपके साथ मतलब आपके साथ दुगाती हो रही है, आप सपा से पार्टी से, आप बीजेपी वाले आपकी बात नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहे, खुद नहीं सुन रहे। यहाँ आप बताइए, आप सामने खुद देखने वाले हो, ना कूड़ा घर है ना कुछ है, ये गली से निकाल कूड़ा लिया। आप यहाँ से कूड़ा हटवाते हैं कि यहीं पे हटता है कूड़ा? कब का हटता है ये? जब जब गाड़ी आती है, 6 बार फोन करते हैं तब गाड़ी आती है, तब आती है तब उठाती है, 6 बार फोन करो फला गए। मतलब आपकी छवि धूमिल करने के लिए आपको मतलब सहायता नहीं की जा रही? बस यही बात है, पूरी बात यही है भाई, मुद्दा यही है ना आपका कहना, मतलब कि आप छवि धूमिल करने के लिए। भैया बताइए ये दुर्भाग्य आप खुद देख लीजिए, इस वार्ड में 32-33 कर्मचारी हैं, अब देखिए है बगल वार्ड में 60 हैं, है और बगल वार्ड में 60 हैं, वहाँ देखो 60 हैं, वहाँ देखो 55 हैं, ये वार्ड में 32 है, और इतना बड़ा वार्ड, सबसे बड़ा वार्ड है कानपुर का ये। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने सरकार या अपने नगर आयुक्त को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपको किस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्या यह है जब कूड़ा घर नहीं है तो मुझे डेली गाड़ी मिलना चाहिए, तो ये समस्या खत्म होगी। डेली गाड़ी आपकी मांग है, आपकी डेली गाड़ी, आपको सफाई की गाड़ी तो बोला कूड़ा घर नहीं है तो, और कूड़ा घर हो तो हफ्ते में 3 बार देना, हफ्ते में 3 बार देना चाहिए, तब यहाँ पे मसवानपुर बहुत तरीके से साफ हो पाएगा, और कर्मचारी कम से कम तो 20 कर्मचारी मेरे क्षेत्र में और बढ़ाए जाए तो मैं ये बाढ़ को अपना मसवानपुर मुक्त कर पाऊंगा हर बीमारी से। जैसा कि आपने पार्षद जी को सुना, उनकी समस्या और ही कुछ है, उनका कहना है कि हमारे प्रति सरकार भेदभाव कर रही है, और यहाँ पे कूड़े की जो समस्या है वो अगर ऐसे ही हमारे साथ भेदभाव होता रहेगा तो समस्या से हम निजात नहीं पा पाएंगे। किसी भी प्रकार की यहाँ जानकारी मिलेगी तो समाचार भारतवर्ष की तरफ से आप सभी को इसके बारे में अवगत करा दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।